कुछ मैं के कह के लुक्ष साहब ने बनावा तो मैं दुप के ये वाले आसान बसा मे भी बहुत हक बन साबन अत मे सोपोर चूंट बागन हिज मेस त्रवित गोड गोर मे ही सोप यूज पत गोर मे माशाल्लाह खानदार तो शुरू हम यूज तो उसके बाद मैंने कुछ अपने दोस्तों को दिया ये गुलमर्ग ग्रीन क्ले यथ मे गुलमर्ग पोश तो त्रवित पोश तो पन बस हमने हाजियों के लिए ये साबुन बनाई है इसको हम बोलते हैं यहाँ हलाल साबुन तो दोस्तों ने मुझे बेसिकली एनकरेज किया मेरा कोई इंटेंशन नहीं था बिजनेस बनाने बिजनेस में जाने का तो दोस्तों ने मुझे बोला कि नहीं ये बहुत अच्छी सोप्स हैं और आप बेचना स्टार्ट करो तो पात छो ये क्या ये पामपोरिच वुडर साबुन मेरी लास्ट बट नॉट लीस्ट छे ये पामपोर ज़ाफ़रान साबुन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो सोप मेकर है जिसने जब कोविड लॉकडाउन हुआ था तो तब उसने YouTube Instagram के ज़रिए सोप बनाना सीखा तो आज हम आपको सना से बात कराएंगे जो असल में डाउनटाउन की है लेकिन अभी बागात में रहती है तो इनसे बात करेंगे वालेकुम सलाम तो हमें बताएं इस सफ़र के बारे में कैसे आपने जो सोप मेकिंग है इसको कैसे आपने सीखा जी तो सोप मेकिंग एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था मेरे लिए एक दिन ऐसे ही लॉकडाउन में मैं इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रही थी तो पता पूछ मैं के कह के लुक साहब ने बनावा तो मैं दुब के ये वाले आसान बासा मे भी बुते हक बने विथ फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स में लगते हैं लकीली इसमें जो भी इन्ग्रीडियंट्स चाहिए थे वो मेरे किचन में अवेलेबल थे विच इज़ प्लांट ऑयल्स एंड बटर्स एक चीज़ थी जो मुझे नहीं मिल रही थी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको बोलते हैं लाई इंग्लिश में उसको बोलते हैं तो वो फिर मैंने रिसर्च किया कि जो आपका ड्रेन क्लीनर होता है वो उसमें पड़ता है तो मेरा सारा सामान घर पे ही था तो ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था कि मैंने साबुन बनाना सीखा बट मुझे ये काफ़ी क्रिएटिव प्रोसेस लगा और मुझे लगा इसमें स्कोप बहुत है नेचुरल चीज़ें यूज़ करने का स्पेशली फ्लावर्स क्लेज एंड ड्राइड हर्ब्स तो धीरे धीरे करके मैं सीखती गई इंस्टाग्राम पर बहुत सारे सोपर्स को मैंने फॉलो किया उनसे इंस्पिरेशन लिया उनसे पूछा किताब मैंने खरीदी एक अमेजोन के थ्रू और फिर बेसिकली बनाना मैंने स्टार्ट किया तुहद स्टूडियोस मे आई ये अलग अलग सोप्स इन नाव लिखित इत पे लिखित गुलमर्ग या त्राल का लिखा है पामपोर का लिखा है थोड़ा बहुत वनतो अत मुताबिक कि अत कत पे पे नाव तो मेरा इंटेंशन यही था कि हम कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की इन आइडेंटिटी को उभारें और वहाँ पे जो भी चीज़ खास मिलती है वो हम लोगों के सामने पेश करें और दूसरी बात ये भी कि कश्मीर में जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में हम प्रमोट करें तो अभी हमारे पास चार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की सोप है अख ये त्राल अत मे त्राल हंद माश त्रोमुत माश तो ओट्स ये वारिया मुलायम तो नरम ये बच्चों के लिए भी अच्छी है सोप बेचे अस ब्याह सोप ये कहिए तो गुलमर्ग सोप अत मे गुलमर्ग कुलन पोश तो पन त्रमित यह ग्रीन क्ले सोप यह पॉपुलर सान खतर बेस पे ये सोपोर सोप अत मे उस चूंट बाग मेसा सो त्रम अत सोपोर साबन मे लास्टली पामपोर हिंद जो सोप क्या मेन सप्लायर पामपोर पे अक्टूबर सैफरन सोन सप्लायर तो अच्छे तम सैफरन हेवान तो यह पामपोर वुडर वुडर मे ये त्रावन आम यु पामपोर साफ ज़ाफ़रान त्रावन आमज खांद खानदानस मज या हमसायन मज कह हज या उम्र गसन वो तो प्लीज तिमन हेको तुम यह गिफ्ट दि तो यम स्टॉकस मज